जी हाई वोल्टेज ड्रामा नहीं है, इनफैक्ट थोड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा ख़त्म हो गया। अब हैप्पी हैप्पी एंडिंग की तरफ जा रहे हैं हम। लास्ट डे है, बहुत इमोशनल है टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड लास्ट टाइम कभी शेखावत का सूट पहना जा रहा है। एंड या इट्स बीन अ जर्नी। अच्छा, आपकी स्टाइल को लेकर के हमेशा से जी, तो जब ये चीज़ें जब एक एंड होता है फिर कैसे आप अपने आप को मूव ऑन करते हैं? क्या मैं जब भी शोज़ होते हैं वो उसमें जो स्टाइलिंग होती है आई गिव इट ऑल टू द क्रिएटिव्स, टू द स्टाइलिस्ट एंड एवरीथिंग। तो मैं कभी भी इसमें इतना पढ़ता नहीं हूँ, आई जस्ट नो व्हाट लुक्स गुड ऑन मी। तो मैं बोलता हूँ कि इस दायरे में खेला जाए। और कुणाल बहुत ही अलग तरह से अपने आप को स्टाइल करता है, तो इट्स ऑलवेज वेरी डिफरेंट। इफ़ यू सी कुणाल एंड यू सी एनी कैरेक्टर बीइंग प्लेड, वेरी डिफरेंट। मैं इमोशनल हूँ बट मैं प्रैक्टिकल भी हूँ। तो आज पता नहीं क्यों आज मैं सुबह से रो रहा हूँ। तो आई डोंट नो यार, आई थिंक आज वो इमोशनल वाला कुणाल जाग गया है। अच्छा, एक चीज़ और कि आपके हिसाब से ऐसी होनी चाहिए कि लाइक अगर कोई भी सीरियल बनता है, डेली शो बनता है, तो शॉर्ट एंड क्रिस्प इज फाइन या फिर उसको स्ट्रेच करें जितना वो होता है? नहीं, इट डिपेंड्स ना, इट डिपेंड्स। अगर स्टोरी वैसी लिखी गई है कि शॉर्ट एंड क्रिस्प है, स्टार्ट टू एंडिंग लिखी गई है, तो वो तो वही है। बट ये हमारे शो के साथ जो हुआ है, आई मीन इट्स वेरी सडन एंड आई डोंट नो व्हाई इट्स बीइंग टेकन, दिस डिसीजन इज बीइंग टेकन, बट ओके। अब क्या एक्सप्लोर करते हुए दिखूंगा? अब मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करता हुआ दिखूंगा। मैं दिखूंगा अपने अपने आप को एक्सप्लोर करता हुआ दिखूंगा, अपने स्किल्स पे काम करूंगा। कुछ जब मैं जब भी नेक्स्ट दिखूँ, एक अलग अवतार में दिखूँ। आई वुड लव टू डू झलक, बट इस बार ये शो कर रहा था तो झलक नहीं उठा पाया। बट होपफुली नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर बिग बॉस, लेट्स सी, लेट्स सी। नॉट आई डोंट नो, जब आएगा ऑफर उस टाइम पे दिमाग चलेगा। ऑलराइट, थैंक यू।